घट घट वासी परमात्मा शब्द रूप सावण कृपाल के चरणों में नमस्कार है करोड़ों बारी जिन्होंने इस गरीब आत्मा ते रहम किया और आप दे जश करन दा मौका दिता है। अज दे सत्संग दा मजबून है जैसे कल स्वामी जी महाराज की बाणी ली, अज भी स्वामी जी महाराज की बाणी है। कल किस तरह शिष्य ने अपने अवगुण एक एक करके गुरु दे अगे खोले, क्योंकि जे बीमार डॉक्टर दे पास जाके अपनी सही तस्वीर नहीं दसेगा बीमारी दा, तो डॉक्टर नू भी राह नहीं मिलता गा, वो भी उहदी दवाई नहीं कर सकता गा। डॉक्टर नू तजर्बा हुंदा है बीमारियां दा और अपनी दवाई ते भरोसा हुंदा है। जब मरीज जाके आजज हो के उसनू अपना दुख दसदा है, उहदे तजर्बे तो मरीज फायदा उठा के तंदुरुस्ती हासिल कर लैंदा है। इस तरह जब शिष्य नू पता लग जाता है कि मेरे अंदर ये ऐब है, तो वो गुरु अगे फरियाद करता है। संत सतगुरु सानू उहदे विच छड्डण वास्ते मदद भी करते हैं, जुगती भी दसते हैं कि भई तुसी भजन सिमरन करो और इन्हां ऐबां तो तुसी छुटकारा पा लोगे। अज दे सत्संग दा मजबून है कि संतां दा तां काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन्हां दे नेड़े नहीं आ सकता गा, लेकिन उस संगत दे अंदर सेवकां दे अंदर उस पैठ कर लैंदा है। हालांकि सत्संगी सारे भैण और भरा हुंदे है, उन्हां नूं आपसरी में लड़ा दिंदा है, एक दूसरे दी चुगली निंदिया दे विच ला दिंदा है। तो संतां दे उपर गुरुआं दे उपर जिम्मेवारी आउंदी है कि अगर सेवक दे अंदर ऐब है तो उस नूं प्यार नाल समझाउणा, जो तां सेवक सतगुरु दा हुक्म मन के वो ऐब छड्ड दिंदे है और आपदी गलती नूं स्वीकार करदे है, वो तां सत्संगी है, शिष्य है। बाकी जिहड़े अगों चिड़चिड़ करदे है कि जी साडे तां ऐ वी नहीं, तो महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे, मैं अपने तरफों नहीं कहिंदा गा कि बेशक उहने नाम लिया है पर अगर वह भैड़ियां आदतों तो बाज नहीं आउंदा गा तां वह जरूर नरकां नूं जांदा है। क्योंकि यह भी एक वदान हुंदा है कि जब गुरु कहिंदा कि इस ऐबां नूं छड्डो तुसीं, तो वो जाति तौर पर भी कहिंदा है कि भी तुसी किसी की चुगली ना करो, निंदिया ना करो, किसी का बुरा ना तको। तो फिर सिख अगर एक होर गलती करता है, ये एक महाराज सावण सिंह कहिंदे दी होर गलती हुंदी है कि आपदी सफाई पेश करनी कि जी असी तो ये करते ही नहीं। कोई गुरु नू किसी दे नाल दुश्मनी नहीं हुंदी गी, कोई किसी नाल उहदे अंदर वैर हीरखा नहीं हुंदी गी, सिर्फ वो अपनी जिम्मेवारी तो दूर नहीं जाता गा। बेशक कोई गुस्सा करे, गिला करे, वो जरूर कहिंदा है कि देख प्यारिया ये तेरे वास्ते ठीक नहीं, क्योंकि माता दी जिम्मेवारी हुंदी है। अगर बच्चा अग दे विच हाथ पाउंदा है उहनू पता है कि इहदा हाथ सड़ जाएगा, तो मैनू भी तकलीफ होएगी अगर इहदा हाथ सड़ जाएगा। वह माता उहदे बच्चे दी रोंदे पिटदे दी परवाह नहीं करदी, उहदा हाथ भी पकड़ लैंदी है। जिस तरह एक माता ते जिम्मेवारी है, इस तरह संतां ते भी जिम्मेवारी हुंदी है, क्योंकि नाम महाराज सावण कहिंदे हुंदे सी जिम्मेवारी हुंदी है। अगर जिम्मेवारी ना होवे तो प्यारिओ 5 साल का बच्चा भी 2 अक्षर दस सकता है। तो की लोड़ सी, बड़ी बड़ी महात्मा ने तपस्या की, किस तरह गुरु अंगद देव ने जाके तपस्या की, गुरु दे बार दे विच जाके किवें किवें उन्होंने उन्होंने खेती की, उन्होंने पानी भरिया, खेचों लदीन कढ़िया। इस तरह बुढ़े बारे गुरु अमरदेव ने बड़ी कष्ट कालना कर ली। तो महाराज सावण सिंह की मिसाल साढ़े सब दे अगे महाराज कृपाल की है कि उन्होंने आपदे गुरु देव का किस तरह हुक्म मन के शब्द नाम की कमाई की और उन्होंने सेवा तनो मनो तनो
हर तरीके नाल उन्होंने की। सो सानू भी चाहिए है कि अज के सत्संग असी गौर दे नाल सुनीए और समझिए फिर इस ते अमल करिए जी। सत्संग महिमा और भेद सतनाम का बचन 11वां शब्द पहला संतों की बाणी पन्ना 98। कहाँ लग कहूँ कोटिलता मन की, कान न माने गुरु के बचन की। कहाँ लग कहूँ कोटिलता मन की, कान न माने गुर के बचन की। सब संत कहंदे आए है कि दुनिया अंदर साडा कोई दुश्मन नहीं, सारे भैण भरा है। जो दुश्मन है वह साडा मन साडे अंदर बैठा है। तो शिष्य प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु, मैं की मन की कुटलता ऐब दसा। ये तो गुरु के बचन तो भी नहीं डरदा गा कि किस तरह गुरु प्यार नाल भी समझाता है, बचन की भी ताड़ना करता है कि गलती करनी तो आसान है, भुगतान बड़ा लम्मा होता है। सानू पता है कि पाप की जिहड़ी अवधि है ये तो छोटी हुंदी है, लेकिन सज़ा बड़ी लंबी हुंदी है। सो इस वास्ते कहन लगे कि यह तो एडा ढीठ हो चुका है, ये तो गुरु की भी परवाह नहीं करता गा जी। कहाँ लग कहूँ कोटिलता मन की, कान न माने गुरु के बचन की। प्रेम गया और भगत छिपानी, बैर ईरखा की खुली खानी। की होया कि भजन सिमरन छड़ दिता। जो असी भजन सिमरन छड़ दिता उत्थे प्यार किथे, फिर हीरखा आ जाती है। और जिथे हीरखा है उत्थे निंदिया चुगली आ जाती है जी। प्रेम गया और भगत छिपानी, बैर ईरखा की खुली खानी। माया लाई छल बाले अपना, काल दिया काल मल का ढकना। की है कि माया और माया दे पदार्थ ये सब धोखा है, माया दे छल है। तो जो असी इन्हां छलां दे विच विशे बकारां दे विच आ जाने हैं तो साड़ी बुद्धि मलीन हो जाती है। जो प्रकाश है, जो शब्द है, भगती है, उहदे उपर ढक्कण मुद्दा वज जाता है। जो साडे अंदर अंधेरा है सानू पता ही है कि असी किहड़े पासे जावांगे, अखां है तो असी तुरदे हैं। सो जब अंदर अंधेरा हो जाता है, भगती का जिहड़ा सूरज चढ़िया छुप जाता है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे हैं कि यह मन की हालत है जी। माया लाई छले वाले अपना, काल दिया काल मल का ढकना। ज्ञान बुद्धि बल सत संग पाई, शिमा मौज गुरु गई हराई। की होया जो गुरु ने शब्द का ज्ञान दिता सी वो भी भुल गया। जो गुरु ने अपनी मौज वरता के सत्संग दे विच दया मेहर कीती सी वो भी भुल गई। जो सत्संग दे विच सुनदे सन सब दे उत्ते ढक्कण वज जांदा है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है
के ज्ञान बुद्धि बल सत्संग पाई सीमा मौज वो सारा कुछ ही जड़ा है वो माया ने ऐसा छलबल लाया और ऐसा टक्कण आया सब कुछ उते टक्कण बज गया मुद्दा जी। ज्ञान बोधि बल सत्संग पाई क्षमा मौज गुरु गई हराई। देखो अचरज कहा न जाई कलयुग का प्रभाव दिखाई। हैं गोर बैन और गोर पाई तिन में निस दिन होत लड़ाई। किस तरह काल अपना प्रभाव बनाउंदा है मैं शुरू च ही दस्या सी कि संतां दे ते नेड़े नहीं आ सकदा गा और लेकिन संगत दे विच प्रेमियां दे अंदर कुस पैठ करके है भैण और भरा क्योंकि शब्द रख करके सी नाम करके सी सारे उस परमात्मा दे पुत्र हैं असी एक घर जाके रहना है असी किस तरह एक दूसरे दी चुगली निंदा करते हैं। तुसी देखो जब सब संत कहिंदे है कि निंदा तो पापी दी भी बुरी है अगर असी किसी कमाई वाले सत्संगी दी नाम लेवा सत्संगी दी निंदा करते हैं बेशक वो तुहाडा पुत है या धी है या तुहाडा जवाई है वो प्यारे जदों उन्हूं नाम मिल गया है अगर तुसी उहदी निंदा करते हो तो नरक और चौरासी तैयार ही हुंदे है। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सी कि निंदा जिहड़ी है ये टट्टी खाण दे तुल है। गुरु नानक भी कहिंदे है पार निंदा पार मल मुख सुधी ये मूँह दे नाल खाण वाली मैल हुंदी है। इस वास्ते आप कहिंदे निंदा भली काहू की नाही मनमुख मुग्ध करन मूँह काले तिन निंदका नरके कोर पवन। जद असी एक ही पिता के पुत हैं एक घर सचखंड दे विच जाके रहना है फिर प्यारे अगर असी कमाई वाली दी निंदा करते हैं तो साडा भजन भाव कित्थे रहेगा जी। है गुर बहन और गुर भाई दिन में निस दिन होत लड़ाई। काल दाव अपनायों खेला सत संग में आए कीनो मेला। किस तरह काल ने अपना दा चलाया है वो सत्संग दे अंदर वड़ जाता है प्रेमियां दे दिलां नूं अलग ही खिच दिंदा है सत्संग तो ही दूर लै जाता है जी। काल दाव अपना यों खेला सत्संग में आए कीनो मेला। सेवा में घुस पैट कराई औरत रह कोई कात न पाई। और काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता गा जे असी तन की सेवा करते हैं ता भी ये कर नहीं दिंदा गा लख बहाने बनाउंदा है। जे भजन सिमरन की सेवा करते हैं फिर भी लख बहाने बनाउंदा है सत्संग के अंदर जाने हैं लखां बिघन पाउंदा है। इस वास्ते आप कहिंदे है कि देखो चरित्र काल करता के कोई सिर कोई पैर रुधान। स्वामी जी महाराज कहिंदे आ कदे मित्र बण परमावे ते कदे वैरी बण तमकावे कवे कभी रोगन में उर जावे और बहु पात उपाद लगावे। या तो मित्र बन के समझाना शुरू कर देगा तेरा इतना कारोबार पिया है अगर तू सत्संग च गया इतना नुकसान होएगा जिन्ना चिर तू भजन बैठदा है इतने चिर तक तू होर भी कारोबार कर सकदा है। और या फिर ਉਹ ਡਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ
ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਜੀ ਦੇਹੀ, ਨਿਰਜੀਓ ਕਾਟੇ ਸਿਰਜੀਓ ਪੂਜੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਪਹਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਦੇ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਪਹਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਘੁਸ ਪੈਠ ਕਰਾਈ ਔਰਤ ਰਹਿ ਕੋਈ ਕਾਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਅਸ ਕੀਨਾ ਪੇਚਾ ਮਨ ਕੋ ਸਭ ਕੇ ਧਰ ਧਰ ਖੈਂਚਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਸੰਤ ਮਤ ਐਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਤ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰ ਕੋ ਸਰਬਤ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਲੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਅਸ ਕੀਨਾ ਪੇਚਾ ਮਨ ਕੋ ਸਭ ਕੇ ਧਰ ਧਰ ਖੈਂਚਾ, ਗੁਰੂ ਤਾੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਚੀਖੇ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਐਸੀ ਲੀਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਇਹ ਐਬਾਂ ਪਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਹਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਐਸੀ ਲੀਕੇ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤਾੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਚੀਖੇ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਐਸੀ ਲੀਕੇ।
गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर ठाने। संत सतगुरु समझाते हैं क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी आती है, ये उन्होंने सिक्ख्या सुन के भी खुश नहीं, अमल उस पर की करना है, क्योंकि मन का दास है, मन की बात को मनता है, तो मन कदों बई ये इस तरह करता है कि कदे मन ने आपदे आए मने है, मन तो सिर फेर दिंदा है। मैं अपनी आर्मी की एक बात दसदा हुंदा, बड़ी एक हसन वाली है। जब असी सन 48 दे विच कश्मीर दे विच सानू उस परमात्मा की दया नाल फतेह मिली हिंदुस्तान में, वो साड़ियाँ फस्ट पटियाला और फस्ट पंजाब ये पलटना उत्थे लड़दियाँ सन। तो जब असी वापस आए पठानकोट और अमृतसर, श्रोमणी कमेटी ने हर जगह सानू खाना रोटी वर्जी, पटियाले आए तो राजे ने भी रोटी वर्जी और शहरी लोगों ने, क्योंकि बड़ी भारी खुशी सी, तो राजे ने उस वेले नकलिए बुलाए और नकलिए बुलाए, क्योंकि उत्थे कोई भी पलटन कामयाब नहीं हो सकती सी, सिर्फ सिखां दीआं पलटना जाके उत्थे कामयाब होईआं। और फस्ट पटियाला सारे हिंदुस्तान दे विच बड़ी एक मशहूर आर्मी हुई है। उन्होंने नकल की, पहला उन्होंने लाहौर भी असी स्टेशन तो उतरे, उत्थे असी अनारकली बाजार विच गए, उत्थे सिपाही मिल गया तो सिपाही ने मैनू पकड़ लिया। वो कहिंदा बई वो ज्यों जुतियां लग्या मारन, जद 100 पूरी होण ते आवे ते मैं सिर हिला दिया, मतलब कि मैं 100 पूरी होण नहीं दित्ती, सिर हिला दिया। अके क्यों? अके मैं के आख्या कि ती ऐ आखेगा भी पटियाले दा बहादुर सिपाही नहीं गा। हुण मन दी वो हालत है, क्योंकि नकलियां दा कम नकल करना है, उहदे विचों ज्ञान तां असी हासिल करना है, तो मन वो है कि भी 100 जुत्ती पूरी नहीं होण देनी ते सिर हिला देना। तो प्यारे मन ये है करोड़ां ऐब करोड़ां पाप करा के सच्चा सुच्चा होके खड़ जाता है जी। गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर ठाने। गुरु को देवे दोष लगाई, फिर चौरासी परमाई। फिर मन दे बहकावे विच गुरु जी दोष कढ़ने शुरू करता है कि देखो जी मैनू ये एवें कहिंदे है, उहदी सजा की है? सब संत कहिंदे है कि गुरु निंदक नू 84 जरूर मिलती है। कबीर साहब कहिंदे है, कबीरा हर के रूठ ते गुरु की शरणी जाए। अगर परमात्मा रुस जावे तो गुरु है परमात्मा नू मनाउण वाला, क्योंकि वह परमात्मा विच समाया है। कहे कबीर गुरु रूठी ते हरी ना होत सहाय। अगर वह रुस जावे तो मालक मदद नहीं करता, क्योंकि हरी ने मिलाउण वाला परमात्मा नू मनाउण वाला गुरु ही है। अज तक कदे भी किसी की सीधा परमात्मा ने मदद नहीं हासिल की, जद भी की किसी संत सतगुरु के जरिए की। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं गुरु को देवे दोष लगाई, गुरु को देवे दोष लगाई फिर 84 परमाई जी। गुरु को देवे दोष लगाई, फिर 84 परमाई।
इतने दिन सत्संग जो किया कुछ भी असर न उसका हुआ। कि इतने दिन इतने महीने या इतने साल सत्संग किया उदा की असर होया भाई। अगर ओही गुरु दा नाल सवाल जवाब करने शुरू किते ओही निंदा करनी शुरू की सो प्यारे सत्संगियां दी की चाहिदा तो यह सीगा कि सत्संग सुन के सानू समझ आउंदी कि निंदा दा किन्ना बुरा है असर है, गुरु दा हुक्म ना मनना किन्ना बुरा है जी। इतने दिन सत्संग जो किया कुछ भी असर न उसका हुआ, सतगुर से अब करूं पुकारा काल मार मन लेव सुधारा। तुमसे काल जबर न होई काटो फंदा जम का सोई। अगर सिख सच्चा है फिर भी उन्हें मन तंग करता है, कोई काल की ताकत तंग करती है तो कहने लगे उपकार करता है गुरु देव के कि हे सतगुरु मैनू काल दियां ताकतां तंग कर दियां हन ते इत्थों कोई जबर नहीं, तो गुरु कोई तुहाथों दूर नहीं गा, खब्बी साइड विच काल बैठा है तो शब्द स्वरूप थोड़ा गुरु भी सज्जे पासे अंदर बैठा है, उन्हें भी थोड़ी उत्थी मदद करनी है। इस वास्ते आप सिख जदों प्रार्थना करता है वह जरूर पहुँचता है। कद पहुँचता है जद सच्चे दिलों प्रार्थना करते हैं नौ द्वारे खाली करके असी तीसरे दिल ते अखां दे पिछे एकागर हो जाने हैं। सूरज चंद्रमा सितारे लंघ के जद गुरु दे स्वरूप नूं प्रगट कर लैने हैं सच्चे शिष्य उस वेले जाके बनते हैं। फिर एक सकेंट भी गुरु पासे नहीं, याद करो थोड़े सामने है, बेशक बुआ बंद है चाहे चखड़ वगदा है चाहे घड़े आ रहे हैं, परछावे की तरह वो नाल रहिंदा है। जे भजन सिमरन नहीं करते तो गुरु का की कसूर है भाई जी। तुम से काल जबर ने होई काटो फंदा जम का सोई, तुमरे चरण प्रीत होए गाड़ी सत्संगियन मन शुद्धता बाड़ी, हिल मिल कर सब करें आनंदा त्रोघात का काटो फंदा। इस वास्ते आप प्यार ना बेनती करते हैं कि जो असी प्रार्थना करते हैं सतगुरु मदद करता है, असी फिर की करिए कि असी भी सारे मिलके तेरे शब्द बोलिए तेरा भजन करिए सारे मिलके चलिए कि असी वाकया ही वो शब्द करके सारे एक बाप दे पुत हैं एक घर विच असी जाके रहना है जी। हिल मिल कर सब करें आनंदा त्रोघात का काटो फंदा, सत्संगी सब मिल कर चाले प्रीत परस पर पल पल पाले। की है कि सेवक जेड़ा अंदर जांदा है वो दुनिया का समान नहीं मंगदा गा, बल्कि वो कहिंदा है क
कि असी सारे कट्ठे हो के भजन करिए, कट्ठे हो के रहिए एक परिवार की तरह, कि हे सतगुरु साढ़े ते मेहर कर, दया कर। सत संगी सब मिल कर चाले, प्रीत परस पर पल पल पाले, यही हुकम अब सब को कीना, यो नह माने सो काल अधीना। सब संता ने आके यही हुक्म दिता कि असी सारे एक पिता दे पुत हैं, और सारे हुक्मां तो ज्यादे उच्चा हुक्म जरूरी है गुरु की आग्ञा का पालन करना। अगर कोई इन्हां चीज़ां का पालन नहीं करता गा तो कहिंदे काल का जीव है उदी खबर काल लेंदा है जी। यही हुकम अब सब को कीना, जो नह माने सो काल अधीना, जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुँचे वह सत गुरु दरबारा। हुण आप प्यार ना कहिंदे है जेड़ा शिष्य सतगुरु की आग्ञा का पालन करता है, भजन सिमरन करता है, वो कहिंदा भाई मेरे घर मेरे दरबार में आ जाएगा जी। जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुँचे वह सत गुरु दरबारा, बोध अपनी लेव समारी, बचन गुरु यह मन में तारी, जिनके मन को काल समारा, सो नह माने बचन हमारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिन्हां दे मन एडे जबरदस्त है, ओ ना उन्हां नूं किसे गुरु की परवाह है ना पीर की है, कहन लगे ओ काल दा जीव है, काल दे अधीन है। जिनके मन को काल समारा, सो नह माने बचन हमारा, अब मन में चिंता मत राखो, सत नाम अब छिन छिन पाखो, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। क्योंकि असी सदा संसार विच नहीं रहना गा, एक दिन चले जाना है, साह है तो जिंदगी है, अगर साह रुक गया तो मौत है। सो जिहड़े चार दिन कटने हैं वो नम्रता ना कटने हैं। फिर संत कहिंदे हैं कि जिहड़ी बाहरों नम्रता दिखाउणी है अंदर कपट है, ये बड़ी मिठी तपदिक है। जो कुछ असी बाहरों बोलते हैं अंदरों भी वह होवे जी। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किस से, मौत तार दम दम में बरसे। केड़ी चीज़ का अहंकार है भाई,
कि माया का हंकार करते हैं, कदे कंगालां दी हालत नहीं देखी कि जवानी का हंकार है, किसी का बढ़ेपा नहीं देखते दे। कि अच्छी सेहत का हंकार है कि असी हस्पतालां दे विच जाके बीमारां दी हालत नहीं देखते दे। मैं न्यूयॉर्क हस्पताल दे विच गया, साडा उत्थे एक प्रेमी सी उन्हूं मिलन वास्ते, मैं उत्थे देखे पता नहीं कदों कदे बेचारे रोगी बिल्कुल सांस ही चल रहा सी, सुके सीगे, तरह तरह के रोगी देखण नूं उत्थे मौका मिलिया। दुनिया का बड़े तो बड़ा हस्पताल है, उत्थे पता लगता है कि केड़ी चीज़ का हंकार है भी, मौत तार दम दम में वरसे जी। अब अहंकार करो क्या किस से, मौत धार दम दम में बरसे, जैसे जग में महाभिखारी दीन गरीबी उन सब तारी, कोई उसको कुछ कह लेवे मन को अपने जरा ना देवे। हुण स्वामी जी महाराज एक बड़ी अच्छी मिसाल दे के समझाते हैं कि जिस तरह भिखारी ने किन्नी आपदे अंदर दीनता अख्तियार की हुंदी है, जद वह किसी के घरे जाके अलख जगाउंदा है, मंगदा है, तो सिर्फ जाके अलख ही जगाउंदा है, घर वाले उसनू गालियां भी कढ़दे है, मंदा चंगा भी बोलते हैं, जनानियां बड़े ताने मार दियां हन कि तू हटा कटा फिरदा है, ते तू कमा के नहीं खाईदा गा, लेकिन उसनू किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं हुंदी, वो अपनी अलख जगाई जाता है। तो स्वामी जी मिसाल दे के सानू समझाते हैं कि देख उन्हें किन्नी आपदे अंदर अधीनगी अख्तियार की है, नम्रता अख्तियार की है, उन्हों के किसी ने सत्संग सुनाया सीगा, कहन लगे भी तू इतना चिर सत्संग सुनता रहा है, वह भिखारी वर्गा भी मन ना बनाया, ममूली जा सतगुरु ने कहा कि भी तू ये ऐब छड़ दे, तो सत्संग ही छड़ जाता है, तो की फल मिले भाई जी। कोई उसको कुछ कह लेवे मन को अपने जरा ना देवे, तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन ना बनाया, अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए अपने मन अधीनी तरीए। महाराज जी कहिंदे हुंदे सन सावन सिंह कि उन्हूं भुलिया ना जाणो जिहड़ा शाम नूं करे आ जावे, कहन लगे जे पहला गलती हो गई भुल गए हैं तो हुण आपदे अंदर नम्रता धारण करो, आग्या दा पालन दा जतन करो, हुक्म मनण दी आदत पाओ जी। अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए अपने मन अधीनी तरीए, हा हा खाओ चरण पखालो आपस में तुम हिल मिल चालो। अगर निंदा करके हुक्म दी उलंघना करके कोई पाप कर लिया है तो हुण पछोताओ, हुण तां तुसीं मिलजुल के प्रेम प्यार नाल सत्संग करो, आग्या दा पालन करो। हा हा खाओ
चारे न पखालो आपस में तुम हिल मिल चालो, जो कोई जिससे रूठे पाई सोई तिसको ले मनाई। हाथ जोड़ बहु बिनती करे करे खुशामद चरणन पड़े। अगर बुरा लफ्ज बोल के कहता दिल दुखा बैठे हो उन्हें गुस्से करता है तो तुसी उस तो माफी मंगो। किन्नी क स्वामी जी महाराज कहते हैं भी तुसी उसके पैरों पर भी हाथ ला दो कि भरावा मेथों गलती ना कही गई है हुण तू मैनू माफ कर दे जी। हाथ जोड़े बहु बिनती करे करे खुशामद चरणन पड़े। इतने पे जो माने नहीं गुनहगार सत गुरु का पाई। हुण जद उन्हें पैरी हथ मिलाते माफी भी मंगले मैनू माफ कर, अगर उन्हें फिर भी वो माफी नहीं दिंदा गा तो कहन लगे दुगना दोषी है जी। इतने पे जो माने नहीं गुनहगार सतगुर का पाई। जलन ईर्षा जिस कट में जलन ईर्षा जिस कट आई वह दुख कैसे जाए न साई। कर विवेक मन को समझावे या सतगुरु की दया समावे। हुण दो ही गल्लां हन, या तो विवेक कहिंदे है वो बुद्धि जिहड़ी झूठ और सच का निर्णय कर ले कि मैथों पाप हो गया बुरा हो गया मैं आज्ञा का पालन नहीं किया मैं सत्संगियों की निंदा की तो आप कहन लगे, या तो उस दा सच झूठ का निर्णय करके पछतावा करे। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो भजन सिमरन करके गुरु अगे फरियाद करे वो मदद करेगा जी। करे विवेक मन को समझावे या सतगुरु की दया समावे। सतगुरु दया बिना न होई बिन विवेक न जावे खोई। सतगुरु की दया बगैर जीव कुछ भी नहीं कर सकता गा। सब तो पहला उसकी दया प्राप्त करनी है। दया का यह नहीं कि असी बेनती भी करी जाइए है भी करी जाइए और दवाई भी ना खाइए भजन भी ना करिए ओहो जाई काम ओहो जाई क्रोध और बेनती भी करी जाइए। हुण की बेनती सुनेगा या वह साड़ी फरियाद सुनेगा। मैं अपने पिता का दसदा हुंदा है को उन्होंने नाम नहीं मिलिया सीगा वो जपजी साहब भी पढ़ते सीगे ते नौकरां नूं गालां भी कढ़ी जांदे सीगे तो मैं बड़ा हसमुख जिहा हुंदा सी। मैं आख्या दस हुण वो परमात्मा तेरा जपजी साहब लेखे लाएगा या तेरिया गालां लाएगा तड़को तड़की। सो इस तरह नहीं सानू करना चाहिए प्यारे हो भी असी एक पास फरियाद भी करते रहिए तो दूजे पास असी अपने आप से मैल भी उ लाते रहिए जी। सत गुर दया बिना न होई
बिन विवेक नह जावे खोई, जो सत गुर निज दया विचारे तब यह दुर मत मन से तारे। जो कोई दीन कपट से होई ताका रोग कहो कस जाई। जे कोई कपट नाल दीन हुंदा है अंदर ता ओही हीरखा है बारो दिखावे दी ओ दीनता दिखाउंदा है, कहण लगे उहदा कपट किस तरह दूर होएगा, वो तो दूनी सजा का भागी है। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सी कि बाहरों निकल के अंदरले पर्दे च बह जाना किड्डा गुनाह है जी। जो कोई दीन कपट से होई ताका रोग कहो कस जाई। कपटी को ऐसा अब चाही करे सफाई कपट नसाई। जो बल उसका पेश न जावे तो सत गुर से बिनती लावे। हुण एक तुक दे विच स्वामी जी महाराज कहंदे हैं कि तुसी अपनी सफाई करो। सफाई कादे ना कर सकदे हैं, सिमरन ना। मैं दस दिंदा कि सिमरन साडी आत्मा दा शीशा इस तरह साफ कर दिंदा है जिस तरह साडे मकान दे अंदर कूड़ा असी झाड़ू दे नाल बाहर कढ़दे हैं। सिमरन झाड़ू दा कम करदा है। अगर ऐसी सिमरन करते हैं तो सतगुरु की दया जरूर प्राप्त होती है जी। जो बल उसका पेश न जावे तो सतगुर से बिनती लावे। खोले कपट न राखे पर्दा गुर से खोले रख रख शरदा। हुण गुरु दे कोले आके भी जे बंदा झूठ बोलदा है तो सच बोलन वाली जगह केड़ी है? कहिंदे नहीं, जेड़ा कुछ अंदर ऐ भरिया होया वो दस दे। मैं दसदा हुन्ना है कि बहुत सारे अमरीकी लड़कियां भी लड़के भी इत्थे भी अगर कोई गलती हो गई तो संग च खड़े हो जाते हैं। मैं बाहर भी जाना है तो इस तरह ही वो करते हैं। साढ़े हिंदुस्तान च भी बड़े प्रेमी ऐसे है कि जिन्हों अपनी आत्मा ते रहम है, क्योंकि इंसान गलतियां का पुतरा पुतला है, अगर हो जाती है तो उठ के खड़ जाते हैं। कहते महाराज जी बड़ा ऐब होया। मैं चशमदीद कई बार गल दसदा हुंदा है, महाराज सावन सिंह दे दरबार दी कि एक आदमी ने गल दे विच छित्रां दा हार पाया, मूँह काला करके खड़ गया। महाराज जी सत्संग करके उठे ते रो पिया, कहिंदा जी गलती हो गई। तो महाराज जी कहण लगे भी कोई है इहदे पाप लैण वाला, क्योंकि संत लुको नहीं रखते होंगे गे, छनाटा छा गया। कौन है भी बोझा तो आपदा नहीं चकी दागा, कौन है किसी दे पाप लैण वाला। जब कोई नहीं बोलिया महाराज कहते अच्छा भाई अगे वास्ते नहीं करना, बैठ जा। सो ये है प्यारे हो, आप प्यार ना कहते हैं जे तुसी उत्थे भी जाके झूठ बोलते हो तो किस तरह तुहाडा रोग जाएगा जी। खोले कपट न राखे पर्दा गुर से खोले रख रख शरदा। अपने औगन उनसे पाखे
बार बार बेनती कर आखे, हे स्वामी मेरी कपट निकारो, मैं बलहीन मोहे तुम तारो। सच्चे दिलों प्यार नाल कह के, हे महाराज मैं निर्बल हैं, मेरे ते दया करो। मैं दसदा हुंदा कि संत गरीब नवाज हुंदे है, वह बड़ी दया लेके आउंदे हुंदे है। सच्चे पातशाह सावण ने 45 साल होका दिता भी प्यारे हो, देने वाले का तो कोई कसूर ही नहीं, मसला तो लैन वाले का ही है। 25 साल महाराज कृपाल ने होका दिता खुले दिल ना, भाई लैने वाले का तो मसला है, देने वाले का की है। मैं दसदा हुंदा जैसा जैसा किसी ने बर्तन बनाया, जैसा जैसा भांडा बनाया, वैसी वैसी वो वस्तु पा गए है। मसला तो साढ़े बर्तन का है, साढ़े भांडे का है कि असी तैयार किया है। क्योंकि शेरनी का दुध रखना है तो सोने के बर्तन की लोड़ है। जिथे नाम प्रगट करना है, गुरु को बिठाना चाहते हो, हिरदे को भी पवित्र करना है। अगर वह हिरदा काम नाल क्रोध नाल चुगली निंदिया नाल भरिया होया है, उत्थे गुरु किवें बैठेगा। तुलसी साहब ने कहा सी, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बैठाने के लिए जी। हे स्वामी मेरी कपट निकारो, मैं बलहीन मोहे तुम तारो, तुमरी दया होए जब पारी, कट से निक से कपट हमारी, और यो पाओ ना इसका कोई, बिना दया कोई जुगत ना होई। मन कपटी घट घट में बैठा, सब जीवन का पकड़ा फेंटा, करे सत्संग पौ पाव बसावे, गुरु की दया कपट नस जावे। स्वामी जी ने शब्द बड़ा लंबा सीगा तो बड़े प्यार ना दसया है कि अगर ये फरियाद करता है, बेनती करता है गुरु की दया ना, जिहड़ा साडा कपट है सत्संग दे विच, जो साडे विच ऐब है, सत्संग नूं हमेशा अपने ते कटाउण दे विच ही फायदा है कि मेरे विच ये ऐब है, ये ऐब है, उहनूं एक एक करके छड़दा जावे। तुहानूं पता है कि जब मैनूं पछम दे प्रेमी मिलदे है बाहरों आके, जब मैं पुछदा है हाँ भाई, पहला स्वागत करदा है, फिर पुछदा है हाँ भाई दस, वो कहिंदा जी जब तक मैं उत्थों तुरिया सीगा ते मेरा सारा ही दिमाग सवालों नाल भरिया होया सीगा, तो हुण मेरा कोई सवाल नहीं गा, बस 2 मिनट मैनू बैठ के देख लैण दिओ। सच्चाई तो यह होंदी है कि जो साडे अंदर श्रद्धा प्यार है तो गुरु का चेहरा ही जिहड़ा है दर्शनीय, जिहड़ा लखां सवालों का जवाब हुंदा है। मैं दसदा हुंदा कि मैं अपनी जिंदगी विच अपने गुरु ते कोई सवाल नहीं करिया, क्यों नहीं भई करिया, की सवाल है। महाराज सावण सिंह भी कहिंदे हुंदे सीगे, जब समझ आ जाती है, पता लग जाता है कि कुल मालक है, ये अंदर बैठा जानता है, की सवाल करोगे भाई जी। कारे सत संग पौ पाव बसावे, गुर की दया
कपट नस जावे जो गुरे आगे कपट न खोले निष्कपटी अपने को बोले दोहरा कपट लिए है सोई उसका जतन कभी न होई वह सत्संग के लायक नहीं वह असाध रोगी जग माही ऐसा जीव जेड़ा काल दे अधीन है सतगुरु दे बचन दी कोई कदर ही नहीं गी कहन लगे वो जीव सत्संग दे लायक नहीं हुंदा गा वो काल दा जीव है काल दा बकाया होया है वह सत्संग के लायक नहीं वह असाध रोगी जग माही जिस तरह डॉक्टर जो असाध रोग हो जाता है वो कहता भाई घरे ले जाके दी सेवा कर लो हुण थोड़ा ही टाइम है दा ऐसा वो है मुसलमाना दे अंदर भीखा शाह होए है वो कहते हटाया हटे नहीं गहे ना मन की ठौर बै तो को बह जान दे दे दके दे और संत भी कहते अच्छा भाई तू होर फिर ला जी वह सत्संग के लायक नहीं वह असाध रोगी जग माही पर जो सतगुर समरथ पावे और चरणन पर शीस नवावे पड़ा रहे सत्संग के माही धीरे धीरे तो छुट जाई हुण आप प्यार ना कहंदे है अगर जो गुरु मिल गया नाम मिल गया है फिर भी मन साढ़े ना इतनिया चलाकियाँ हेरा फेरियाँ करता है पर सत्संग नहीं छड़दा गा तो कहन लगे एक दिन जरूर उहदे ते भी दया हुंदी है महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे कि जिहड़ा पत्थर पानी विच पिया है कम से कम वह गर्मी तो बचा होया है इस तरह एक दिन नहीं मन मनेगा दूजे दिन मन जाएगा पता नहीं किस लफज ने साधु देने साड़ी जिंदगी पलट देनी है जी पड़ा रहे सत्संग के माही धीरे धीरे तो छुट जाई सत्संग जल जो कोई पावे सब मैलाई कट कट जावे सत्संग महिमा कहाँ बखानू अस सम यतन और नह मानू दुनिया दे अंदर कोई पवित्र तो पवित्र सरोवर है वो कमाई वाले महात्मा दी संगत और सोबत है अगर पापा दे लाउण दी दवाई है तो यही है हाँ भाई सत संग महिमा कहाँ लग सत संग महिमा कहाँ बखानू अस सम यतन और नह मानू कलयुग खास यतन कोई नाही बिन सत संग संत ने गाई कलयुग दे अंदर सत संग तो बगैर
असी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते गे। किसी भी संत महात्मा ने एदू अलग नहीं किया भी तुसी जपना या तपना या किसी तीर्थ ते ना के मुक्ति हो जाऊंगे। सब महात्मा कहिंदे आ भी किसी पूरे महात्मा की संगत में जाके सुबत विच जाके उस दे उत्ते अमल करो जो महात्मा दसदा है उधर चलो। यही साडा मुक्ति का साधन है। सो मुक्ति दे तीन ही साधन हुंदे है सतगुरु नाम सत्संग। सत्संग दे विच आउण नाल सानू साडियां गलतियां का पता लगता है और सतगुरु सानू नाम दिंदा है मुक्ति नाम विच है। जिन्हें तिन्ने कायम कर ले है वह समझ ले कि मैं मुक्ति दे द्वार उत्ते पहुँच गया है जी। कलयुग खास यतन कोई नाही बिन सत संग संत ने गाई कर्म धर्म तप पूजा दाना इस करनी से नित भड़े माना और जो की त्यों होए न आवे तो फल उल्टा उसका पावे या ते संतन काड निकारी सत्संग की महिमा कह भारी। स्वामी जी महाराज ने काफी लंबे शब्द दे अंदर बड़े प्यार नाल सानू समझाया है कि मुक्ति नाम विच है। नाम संत सतगुरु सानू दिंदे है सत्संग दे अंदर आके असी तहकीकात मुकम्मल करते हैं। अज तक जिसनों भी कोई चानन मिलया है किसी महात्मा की संगत दे विच ही मिलया है। पुराणा दे अंदर कथा आती है कि किस तरह सुखदेव मुनि और विशेष दे अंदर बहस छिड़ विश्वामित्र दे और विशेष दे अंदर बहस छिड़ गई। वो कहिंदा सी कि तप वड्डा है तो विशेष जी कहण लगे कि संगत जड़ी है वह वड्डी है। वह बड़े तिना देवत्यां दे पास गए परमा विष्णु शिव दे कि जी साडा फैसला करो। विश्वामित्र तां कहिंदा है कि सत्संग जड़ा है वह उच्चा है मुक्ति का साधन है। मैं कहना तप है क्योंकि विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया सीगा। वो कहन लगे असी तां थोड़ा न्याय नहीं कर सकते तुसी शेषनाग दे पास जाओ। जद उहदे पास गए वह कहन लगा मैं न्याय तां तुहाडा कर दिंदा पर मेरे सिर उपर धरती का बड़ा वजन है तुसी इस धरती नूं जे थोड़ा जिहा चुक लो तो मैं थोड़ा न्याय जिहड़ा है वह वेला होके कर दिंदा है। और विश्वामित्र नूं कहन लग्या कि तुसी इह आपदा तप जिहड़ा है इहदे बल नाल इह धरती का भार उठा लो। उहने एक घड़ी का की जिहड़ा 60,000 का तप का वर सीगा वह सारा ही ला दिता पर धरती उहदे सिर तो उच्ची ना होई। तो विशेष जी कहन लगे मैं एक घड़ी का सत्संग का फल दिना है। धरती जिहड़ी सीगी वह उपर उठ खड़ी शेषनाग आजाद होके ते खेलन लग पिया। तो विश्वामित्र कहन लग्या भी तू आपदी खेल च लग्या है साडा न्याय तां कर। वह कहन लगे तेरी समझ नहीं आया न्याय तां हो गया है तेरे 60,000 वर्ष दे तप ने तो धरती तहां ना उठाई ते एक घड़ी दे सत्संग ने मैनू आजाद कर दिता है। तो कबीर साहब ने कहा एक घड़ी आधी हूं ते आद कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। सो हर महात्मा ने सत्संग की महिमा गाई है। गुरु नानक साहब भी कहिंदे महिमा साधु संग की सुने मरमीता मैल गई कोट अग हरे निर्मल भय चीता ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता। आत्मा साड़ी कीड़ी है
मन हाथी है, तो इस वास्ते हाथी मन की परवाह नहीं करती, आत्मा शब्द नाम की कमाई च लग के अपने घर पहुंच जाती है। सो सानू भी चाहिए जो कुछ स्वामी जी महाराज ने इस शब्द के विच सत्संग की महिमा गाई है, असी भी तनो मनो सत्संग दे उत्ते अमल करिए, जो सुनते हैं उस पर अमल करिए। नहीं कि बाणिए की तरह धोती चाड़ के घरे चले गए, इस कन्नों पई तो इधर कट गए, नहीं प्यारो सत्संग उत्ते अमल करना है, अपना भजन सिमरन करना है, जीवन नूं सफल बनाना है।